हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार बेहतरीन वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने घर के पास, अपने सिटी में, अपने स्टेट में या फिर अपने कंट्री में अगर कोई जॉब ढूंढ रहे अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपको कोई कंपनी में जॉब चाहिए, एज ए टीचर जॉब चाहिए, एज ए पार्ट टाइम चाहिए, एज ए फुल टाइम चाहिए, जो भी जॉब चाहिए, आप इस प्लेटफॉर्म से सर्च कर सकते हैं। आपके घर के पास जो भी चाहिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सो आज के इस प्लेटफॉर्म पे हम देखेंगे ये प्लेटफॉर्म क्या है और यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसे जो जॉब अपडेट्स होते हैं, मैं रेगुलरली मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे हमेशा पोस्ट करता रहता हूँ। सो अगर ऐसे जॉब अपडेट्स आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते आज के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है, वो इस प्लेटफॉर्म के बारे में, मतलब उनको मालूम होगा प्लेटफॉर्म क्या है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है सिंपली हायर्ड, जो कि एक जॉब साइट है। यहाँ पे आपको जो जॉब चाहिए यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, इसका प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं। इसको आप अपने मोबाइल से और अपने लैपटॉप से, दोनों से भी ये आप मतलब चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई जॉब चाहिए, सपोज हमारा चैनल ट्यूटर्स के ऊपर है, तो हम यहाँ पे कोई भी ट्यूटर्स का जॉब हमें सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल आपका जो टाइटल है वहां पे आप डाल दीजिए और आपने कौन से सिटी में चाहिए तो आप यहाँ पे अपने सिटी का नाम डालिए और सिंपल जॉब सर्च पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई करने से पहले यहाँ पे अपना लॉग इन होना जरूरी है। तो सिंपल जाके आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करना है, तब जाके आप यहाँ पे किसी भी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मेरे सामने मेरे सिटी में पुणे में कौन सी जॉब है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इंग्लिश ट्यूटर है और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूटर है, ठीक है। ये दो ही जॉब अभी मैं यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन आप किसी भी बड़े सिटी में जाएंगे या फिर किसी अपने छोटी सिटी के आसपास कोई एरिया ऐसा बड़ा एरिया है तो वहां पे आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। अब इस जॉब की डिटेल हमें कैसे मिलेगी, सिंपल आपको क्या करना है, जॉब को आपको क्लिक करना है। सो इस जॉब की फुल डिटेल आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यानी कि फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब इसे कर सकते हैं, न्यू ग्रेजुएशन है। अब यहाँ पे ये जॉब कितनी दिन पहले यहाँ पे पोस्ट किया है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास, मतलब सब कुछ यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे आपको काम क्या करना होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया है। ट्रेनिंग प्रोफेशनल फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन, मतलब जो कुछ इन्फॉर्मेशन है इस जॉब, यहाँ पे भी जो जॉब अपडेट्स आते हैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जॉब अपडेट्स में दिए होते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोई प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ पे जॉब अपडेट्स, जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको फुल दिया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको फुल जॉब डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए, आपको अगर आपको मन में कोई डाउट है तो आप यहाँ पे सिंपल फोन नंबर पे दिया होता है, कोई फोन नंबर रहता है, कोई नहीं देता है उसका दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्विक अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप क्विक अप्लाई पे ये करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा। तो सिंपल फॉर्म को आपको भर देना है और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एकदम सिंपल प्लेटफॉर्म है, आपके घर के पास, आपके सिटी में आपको यहाँ पे जॉब मिल सकता है, ठीक है। सो जरूर आप इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बढ़िया सी प्रोफाइल बनाएगा, एक अच्छा खासा रिज्यूम बनाएगा, ये प्रोफाइल पे सिंपली हायर पे जाके आप वहां पे अपलोड कीजिएगा, ताकि आपको, मतलब यहाँ पे जब अप्लाई करते हैं ना तो आपको आगे जाके अपना रिज्यूम यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो एक अच्छा खासा रिज्यूम बना के यहाँ पे पहले से अपलोड कीजिए, ताकि आगे जाके अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आपको आना जाए, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, शायद अच्छा ही लगा होगा, अगर नहीं भी लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।